शादी किसकी है बताओ, किसकी शादी का कार्ड है ये बताओ। तो लिख लो पूरा। लिख क्या रही हो? ए लिखना आता है आपको? आता है। ए लिख के लिखो ऐसे। अच्छे हाँ अच्छे। वाह। बी लिखना आता है? बी भी लिखो। बी ये तो है, ये तो ए है। अच्छा अलिफ लिखना आता है? अलिफ अच्छे लिखो, यहाँ लिखो। ये भी बाया से अच्छे जाए। हाँ अच्छे। अलिफ मद्दा लिख दिया। ये कौन सा अलिफ है? अलिफ मद्दा। अच्छा ठीक है। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में तो शादी सीजन स्टार्ट हो चुका है। इतनी शादी हैं, मज़ा आ जाएगा इस साल तो इंशाल्लाह। तो कल भी मेरी एक दोस्त की शादी है, बस आज मैंने उसी की तैयारियां कर ली हैं। मैं अपना ड्रेस पहले से आयरन करके रखूँगी, और जो मतलब होता है ना शादी के दिनों में जो काम होते हैं, किसी और की शादी के दिनों में जो काम होते हैं वो सारे कर लूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगता जिस दिन मैंने जाना हो मैं उस दिन सब प्रिपेयर करूँ, मैं एक दिन पहले ही सब कुछ कर लेती हूँ। तो आज ही मैं सारी तैयारी कर लूँगी, और मैं सोच रही हूँ मैं अपने बालों की ना वो ब्रेड्स कर लूँ ताकि वेवी से कर्ल्स आ जाएं। गीले गीले बाल हैं, अभी मैं नहा के आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ मम्मा से करवाती हूँ। ये देखें जी, ऐसे मुझे अपना सर करना पड़ रहा है। गाइस ये देखें, मम्मा ने तीन कर दिया, एक ये दो और तीसरी भी कर रही हैं, और फिर उनको आपस में वो चुटिया करते हैं ना वैसे कर देंगे। A few moments later. तो गाइस जैसे कि शादी सीजन स्टार्ट हो चुके हैं तो सबको आप सबको भी हेयर इंस्पो चाहिए होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं मतलब बिल्कुल हीटलेस कर्ल्स करना, तो आप इस तरह से अपनी ब्रेड्स गीले बालों में करके ना तो अपने कर्ल्स बना सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये एक पीछे है और एक ये दो है। अब इन तीनों को भी मम्मा आपस में ना टाई कर देंगी, तो फिर एक चुटिया ब्रेड जो होती है ना वो बन जाएगी, और ये मैं कल जब तैयार हो के फिर खोलूँगी। तो कल तक अब मैं इसको बांध ही रखूँगी और फिर ये सीन सही हो जाएगा इसका। गाइस ये देखें, ये मम्मा ने ना ऐसे कर दी है, तो अब ये कल तक बंधे रहेंगे, खुलेंगे नहीं आराम से। Oh my God! Wow! 2 hours later. अच्छा तो गाइस ये मेरा ड्रेस है जो मैं आयशा की मेहंदी पे पहनूंगी। ये इसका ट्राउज़र है और ये इसका दुपट्टा है। ये सिंपल सा है बट स्टिल आई लव इट। अच्छा गाइस, हमारे घर जो हमारी मेड आती है ना वो कह रही है मैं आपको गाना सुनाऊं, तो मैंने कहा सुनाओ सुनाओ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुरा लिया मैंने, चुराया है मैंने, चुराया चुरा लिया मैंने, नहीं चुरा लिया नहीं, चुराया है मैंने। पहले हम डिसाइड कर ले, मुझे तो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये है, तुम गलत गा रही हो, चलो अब आगे गाओ। नहीं आता ये, क्या बात हुई? आगे भी गाओ। नहीं आता, बस ये आता, एक गाना आता। कोई ढोलकी वाले गाने नहीं आते? जरा ढोलकी बजाओ गोरियो। हाय मैं दिल कर रहा मैं ढोलक बजाऊं, लेकिन किसकी बजाऊं? है ढोलकी है। हाँ है, ऊपर पड़ी है स्टोर में। मैं फिर किसी दिन फाड़ी, संडे वाले दिन बजाएंगे। ठीक है, आप और मैं ट्राई करेंगे। जिस दिन बाजू आएगी ना तब बजाएंगे। बाजू आपकी? गाने गाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मेरी पप्पू आएंगी ना फिर बजाएंगे। ठीक है चलो। गाइस एक काम था तो अब मैं वो करने जा रही हूँ बाहर। बाहर तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है यार, ठंडी ठंडी, सर्दियाँ आ रही हैं। तो गाइस मैं बाज़ार गई थी, मुझे लैशेस चाहिए थी क्योंकि कल मेहंदी है दोस्त की। तो पहले मैंने सोचा मैं लैश नहीं लगाती, फिर मैंने कल लगा लेती हूँ, आपकी लुक इनकम्प्लीट रहती है, मज़ा नहीं आता ना, तो मैं ये वाली लैश लेके आई हूँ।
अच्छा आयशा ये देखो मैं तुम्हारे लिए बना रही थी और मैंने अपनी तरफ से ही नवंबर की डेट डाल दी। मतलब मुझे पता नहीं क्यों लगा कि तुम्हारी शादी नवंबर की स्टार्ट डेट में है तो निकाह भी वही होगा। मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा और ठीक करके फिर इसमें हम बाकी का काम करते हैं। तो अब मैंने डेट ठीक कर लिया है, सो दिस इज़ द एक्चुअल डेट 28th October 2022। तो अब हम इसमें कलर्स करेंगे। आयशा जानी देख लो आपके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मैंने इसको पहले से सारा रेडी करके रखा था, बस मुझे डेट का ही कंफर्म नहीं था तो मैंने उसको पेंसिल से ही लिखा हुआ था कि जब डेट कंफर्म पता चलेगी तो फिर मैं इसको ठीक कर लूँगी और फिर उसी टाइम पे कलर्स किए जाएंगे। तो अब इसमें कलर्स करें। आई विश कलर्स करना इतना ही ईजी होता जितना कि इस वीडियो में दिख रहा है। वन इटर्निटी लेट। अच्छा तो गाइज ये देखें ये रेडी हो चुका है और माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें ये मैंने अपनी दोस्त की शादी के लिए उसकी गिफ्ट्स पैक कर ली हैं। और अच्छा तो गाइस ये देखें मामूल के मुताबिक रात के 1 बजे चाय बन रही है और मैं तो कहती हूँ मेरी शक्ल देख के मेरे घर वालों को चाय याद आ जाती है। हर टाइम चाय, हर टाइम चाय, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। Thank you.